हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त हरीश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम कक्षा 8 क्लास 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पॉलिटी के सभी चैप्टर्स का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने दो चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री का देखना चाहें तो हिस्ट्री का भी लिंक प्रोवाइडेड है, हिस्ट्री का भी आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का भी देखना चाहें तो उसका भी लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स पॉलिटी यानी कि सिविक्स से अध्याय 3 जो है संसदीय सरकार। तो संसदीय सरकार के सभी प्रश्नों के हल को हम देखेंगे। या वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो ये रहा हमारा अभ्यास प्रश्न फ्रेंड्स। पहला सवाल, हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, आपकी समझ से क्या यह ठीक है या नहीं? आपको अपने तर्क में उत्तर देना है। सवाल ये कह रहा है फ्रेंड्स कि जो वोट देते हैं यहाँ वो 18 साल से ऊपर के लोग देते हैं, 18 साल से कम के बच्चे नहीं देते हैं वोट। तो क्या ये सही है? इसमें आप अपनी समझ के अनुसार आंसर करेंगे। तो मेरे समझ के अनुसार हाँ, यह ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष के उम्र के युवा में इतनी परिपक्वता आ जाती है कि वे अपने मत का प्रयोग कर सकें, अन्यथा 18 वर्ष से कम बच्चों में उतनी समझ नहीं होती, उतना मैच्योर नहीं होते हैं बच्चे, उतने समझदार नहीं होते हैं कि वो अपने अनुसार अपने वोट का चयन कर सकें, अपना डिसीजन ले सकें। इसलिए कम से कम 18 वर्ष तक हो जाने तक उनको उतनी समझ आ जाती है कि वो अपने वोट का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा दूसरा नंबर सवाल, लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्या आप इस वाक से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। सवाल ये कह रहा है कि लोकसभा जो है वो आम आदमी की अपेक्षाओं, जो आदमी उम्मीद करता है, उसकी मन उसका मंच है। मतलब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए तो बीजेपी की सरकार आएगी, हम चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आए तो कांग्रेस की सरकार आएगी। तो ये क्या है, जो लोकतंत्र है एक मंच है, क्योंकि जो हम चाहेंगे वही सरकार में आएगा। तो ये सवाल है आपके कि अपनी अपेक्षाओं, अपनी अभिव्यक्ति का क्या है स्टेज है लोकतंत्र? तो बिल्कुल हाँ, इसको उत्तर देखते हैं हम। हाँ, मैं उपरोक्त वाक से पूर्णतः सहमत हूँ। लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाते हैं, लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हक पूर्वक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे, ये मेरा अधिकार है। अतः लोकसभा जो है जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, इस तरह हम कह सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल, ये हमारा तीसरा नंबर सवाल, लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस प्रकार होती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। मान लेते हैं भारत में लोकतांत्रिक शासन है, तो इसमें लोकतांत्रिक शासन में आम लोग किस तरह से भागीदार होते हैं, ये आपको एक एग्जांपल से समझाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं। आम लोग अपने मत का प्रयोग कर संसद और विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजते हैं, यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये भारत है हमारा, मान लेते हैं ये भारत है, ये इतना विशाल भारत है कि इसमें से कोई भी मान लेते हैं कोई फैसला लेना है, फैसला ये लेना है कि गाड़ी चलाने पे हेलमेट नहीं लगाने पे आपको कितना फाइन रखना है, 100 रुपये रखना है या 1000 रुपये रखना है, ये मुद्दा है आज का कि हेलमेट लगाने पे फाइन रखना है 100 या 1000 रुपया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका फैसला कौन करेगा? अगर भारत की हर जनता के पास आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके पूछेंगे तो ये क्या संभव है? 130 करोड़ लोगों के पास जाकर पूछ सकते हैं? तो वो नहीं पूछ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। तो भारत के लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या है, ये क्लास है, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, चार क्लास, पाँच क्लास, छः क्लास। अब प्रिंसिपल को कोई फैसला लेना है आपके अकॉर्डिंग कि स्कूल में एनुअल फंक्शन करना है या कोई प्रोग्राम करना है, तो क्या प्रिंसिपल इस क्लास के हर बच्चे से जाकर के पूछते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? तो वो क्या करते हैं, सीधा सीधा क्लासरूम के जाकर क्लास टीचर को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए कि कौन कौन किस पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन कौन किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्लास के हर क्लास से एक क्लास टीचर आते हैं, क्लास टीचर अपने अपने बच्चों से पूछते हैं और वो जाकर के प्रिंसिपल को बता देते हैं। तो जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर आपके, वो क्या है, प्रतिनिधि का काम करते हैं। यही लोकतंत्र है, ये हम जनता है, जनता हम अपने प्रतिनिधि को बताते हैं और प्रतिनिधि जाकर के सरकार का काम करती है। तो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं, ना कि डायरेक्ट भागीदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है, एक उदाहरण देकर समझाइए। आपको क्या बताना है, बहुमत क्या है, इसको समझाना है। तो भारत में किसी भी दल को संसद में सरकार बनाने के लिए 543 कुल सीटों में से 272, कम से कम 50% सीट, मतलब 272 सीट को लाने की आवश्यकता होती है।
अतः संसद में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का अर्थ है कुल 272 सीटें कम से कम प्राप्त करना किसी एक दल को अथवा गठबंधन के दल को। मतलब अगर आपको भारत में शासन करना है तो भारत में कुल कितना सीट है, 543 सीट है, लेकिन अगर आपको शासन करने के लिए कम से कम तो 272 सीट लाने ही होंगे, अदरवाइज आप सरकार नहीं बना सकते। तब आप क्या कर सकते हैं, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, मतलब दो तीन संगठन आपस में जुड़ जाएगा और ये फाइनली 272 को पूरा करेंगे, तब आप सरकार बना सकते हैं, अन्यथा सरकार नहीं बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संसद मंत्रिपरिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है, इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और क्यों, ये सवाल है। तो संसद जो है मंत्रिपरिषद पर इन तरीकों से नियंत्रण करती है, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, ये सब क्या है फ्रेंड्स, हम क्या कर सकते हैं, इन सबसे हम कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, सरकार के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। कैसे, मान लीजिए कि मोदी जी ने अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट के अभी प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया डिमोनेटाइजेशन, मतलब नोटबंदी कर दिया। अब जो है वो अगला जो आदमी है पोजीशन में जो बैठा है, कांग्रेस सरकार नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकती है कि आपने जो डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी से क्या क्या फ़ायदा हुआ, आप हमको बताइए, आपने ऐसा क्यों किया, नोटबंदी क्यों किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये फैसला लिया डिमोनेटाइजेशन का, क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, उसको उनको क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के बाद अगले को क्या करना पड़ेगा, सहमति देना पड़ेगा कि आप सहमत हुए कि नहीं हुए, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ताकि अगली बार से आप ऐसा कानून बनाने से पहले दो बार सोचें कि आपका उससे फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इससे जनता का नुकसान होगा। ये हो गया। अगर मुझे इनमें से अविश्वास प्रस्ताव लगाने का तरीका सबसे असरदार लगता है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं करती तो हम उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, लगाया जा सकता है। अगला सवाल, संसद के मुख्य कार्य में कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए उत्तर। संसद के मुख्य निम्न कार्य हैं, बहुत सारे निम्न कार्य हैं, जैसे विधायी कामकाज, संसद का काम पूरे देश या किसी भी देश के भूभाग के लिए कानून का निर्माण करना, कानून निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट काम। दूसरा, वित्तीय कार्य, सरकार के कार्य कई होते हैं जिनके लिए बहुत धन की ज़रूरत होती है, संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है, सरकार को खर्च की गई राशि तथा प्रस्तावित आय का हिसाब किताब संसद को देना होता है कि उसका कितना पैसा आया कितना नहीं आया। तीसरा काम, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन जानकारी देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सरकार को नियंत्रित करना है, संसद का मार्गदर्शन देने का कार्य भी करती है, संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की ओर से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखें तो इस तरह से दिया हुआ है, निम्न तालिका दी गई है, तालिका की जानकारी के आधार पर उसमें लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा में क्या होता है वो लिखना है। तो अगर आप आंसर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 543 है, सदस्यों का कार्यकाल कितना है तो 5 वर्ष के लिए, सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, चुनाव का तरीका तो मतदान है, सभापति का अध्यक्ष, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा नहीं हो रहा है, सभापति या अध्यक्ष के संसद के प्रतिनिधियों से, और चुनाव का तरीका क्या है के द्वारा चयन करके। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर लेते हैं। अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।